निजी समाचार पत्र में पठानकोट मंडी फोरलेन में अब बहुत सारे गांव की जमीन जद में ना आने की छपी खबर को फोरलेन लोक बॉडी ने गलत खबर बताया है। लोक बॉडी के प्रांत अध्यक्ष राजेश पठानिया ने कहा कि फोरलेन के लिए 3D सर्वे होने के बाद उसे नहीं बदला जा सकता है। निजी समाचार पत्र में छपी एक खबर को फोरलेन लोक बॉडी अध्यक्ष राजेश पठानिया ने झूठी करार दिया है। निजी समाचार पत्र में खबर छपी थी कि पठानकोट मंडी के बहुत सारे गांव के लोगों की जमीन अब फोरलेन की जद में नहीं आएगी। राजेश पठानिया ने इस बाबत एसडीएम से बात की। एसडीएम ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही उन्होंने ऐसे कोई आदेश पारित किए हैं। उन्होंने कहा कि जब भी किसी फोरलेन परियोजना का 3D सर्वे होता है उसके बाद उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। ऐसा सुनते ही पठानकोट मंडी कंडवाल से सिवनी तक के पीड़ितों ने राहत की सांस ली। वहीं सरकार द्वारा नूरपुर में जमीनों के सर्कल रेट 40% तक करने से हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी निराश दिखी। हिमाचल प्रदेश फोरलेन लोक बॉडी ने सरकार से मांग की कि पहले ही पठानकोट मंडी परियोजना के 5 साल लटक जाने से उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई है, उस पर रही सही कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी ने सरकार से निवेदन किया कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। जो जो आस लगा के बैठे हैं हम, वो तो हुआ नहीं और इन्होंने कम कर दिए। हम ये कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, इनके रेट तो थोड़े ज़्यादा बढ़ने चाहिए। मेरी सरकार से ये विनती है कि जो रेट सरकार रेट कम किए हैं और हम आस लगा कर बैठे थे कि ये सरकार रेट और बढ़ाएगी सरकार, लेकिन सरकार बढ़ाने के बदले बहुत कम कर दिए, जिससे गरीब आदमी पर बहुत बोझ बढ़ रहा। तो मेरी सरकार से यही विनती है कि इस और थोड़ा जो काम किए हैं उनको थोड़ा बढ़ाया जाए। हम तो यही चाहते थे गवर्नमेंट भी 3 साल हमें पहले लटकाए रखा और उसके बाद रेट कम कर दिए। 3 साल से रेट बदलने चाहिए थे और उल्टा ही कम कर दिए। यह हम अनुरोध करते हैं सरकार से, इसका कुछ सलूशन हल निकाला जाए और जिससे पब्लिक को ठीक राहत मिल सके। हिमाचल फोरलेन लोक बॉडी ये बताना चाहती है कि पिछले कल जो पंजाब केसरी और ट्रिब्यून में जो खबर आई थी उसने एकदम से सबको अचंभित कर दिया। और सुबह जब 7 बजे सबने फ़ोन करके ये बताया कि ऐसे ऐसे खबर आई है कि एक तो सर्कल रेट कम किए हैं सरकार ने, और दूसरा सबसे बड़ी जो मतलब उनको अचंभित करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि मोहाल कई गाँव रीअलाइनमेंट के चक्कर में बाहर कर दिए गए थे कि अब सड़क इनसे यहाँ से नहीं बनेगी। तो ये बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी एकदम से। तो मैंने माननीय एसडीएम साहब से उसी समय संपर्क किया और उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने बताया कि ये जो खबर है ये गलत है और हमने ऐसी कोई ऑर्डर नहीं की है और ना ही ऐसा कोई हमारे संज्ञान में आया कि ये अलाइनमेंट चेंज की गई है, क्योंकि जब 3D सर्वे हो जाता है तो उसके बाद ये अलाइनमेंट चेंज नहीं होती है, ऐसा हमारे माननीय एसडीएम साहब का कहना है। तो उनकी बात सुनकर हमने फिर राहत की सांस ली। और दूसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी बात कि ये जो सर्कल रेट कम किए हैं ये सरकार ने हमारे जो जख्म हैं उनके ऊपर एक कुठाराघात किया है। हम समझते हैं कि पिछले जो सर्कल रेट थे वो भी सरकार ने बढ़ाए थे, हमारी उसमें कोई भी सहमति ना थी, ना घटाने में ना बढ़ाने में हमारा कोई योगदान नहीं था। अगर सरकार ने बढ़ाए थे तो उसको 3 साल बाद उसको कम क्यों किया गया, क्योंकि सरकार भी जानती है कि ये जो तरक्की होती है वे आगे बढ़ने से होती है, पीछे हटने में नहीं होती। और हम लोग पहले से ही फोरलेन की मार 3 साल लेट होने से झेल रहे थे, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। सिटी चैनल के लिए नूरपुर से संजीव महाजन की रिपोर्ट।